हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आपने मेरा लास्ट वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं अभी यर्काउड आया हुआ हूँ। यर्काउड में कल मॉर्निंग में ही आ गया था और मैंने अपना स्टे कहाँ पे लिया है और फर्स्ट डे को मैंने क्या क्या एक्सप्लोर किया है यर्काउड में, ये सारा कुछ मैंने अपने फर्स्ट वाले व्लॉग में बताया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जाके वो वीडियो जरूर देख लेना। और आज मेरा यर्काउड में सेकंड डे है और आज भी यर्काउड में दो तीन प्लेसेस को एक्सप्लोर करने का प्लान है, तो वीडियो में बने रहो, मैं सब कुछ दिखाऊंगा। फिलहाल अभी चलते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। सो ब्रेकफास्ट मैंने अपने रूम में ही मंगवा लिया है और ब्रेकफास्ट में इन्होंने डोसा, सांबर, कोकोनट चटनी, आलू के पराठे, दही, ये सब कुछ दिया है। तो जल्दी से इसे फिनिश करते हैं और फिर निकलते हैं। तो यर्काउड में तीन फेमस व्यू पॉइंट है, लेडीज सीट, जेंट्स सीट और चिल्ड्रन सीट, और ये तीनों प्लेसेस एक जगह ही है। तो मेरा प्लान है इन तीनों प्लेसेस को एक साथ कवर करने का। तो मैंने ऑटो वाले को कल ही बोल दिया था, जिस ऑटो से मैं यर्काउड बस स्टैंड से अपने रिसोर्ट आया था, और मैंने हाफ डे साइट सीइंग के लिए ऑटो बुक किया है। तो अगर आप हाफ डे साइट सीइंग के लिए ऑटो बुक करते हैं तो ऑटो का फेयर 800 रुपीज होगा, और अगर आप फुल डे साइट सीइंग के लिए बुक करते हो तो उसका फेयर 1500 रुपीज होगा। फुल डे साइट सीइंग के लिए 6 आवर्स का पैकेज होता है जिसमें ये सारे प्लेसेस इंक्लूडेड होते हैं, तो आप इनमें से कोई भी प्लेसेस को कवर कर सकते हो। और अगर आप हाफ डे का पैकेज लेते हो जैसा कि मैंने लिया है, तो इन प्लेसेस में से आप लेडीज सीट, जेंट्स सीट, चिल्ड्रेन सीट, बोटैनिकल गार्डन, रोज गार्डन और अन्ना पार्क को आप इजीली 3 आवर्स में कवर कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, एक ही बार अपने फर्स्ट लोकेशन पे पहुंच के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, तो अभी मैं अपने फर्स्ट लोकेशन पे पहुंच गया हूं जो कि है रोज गार्डन। तो आप भी अपना साइट सीइंग रोज गार्डन से स्टार्ट कर सकते हो। ऑल्सो रोज गार्डन से अंदर के रास्ते ही आप दी वेरी फेमस चिल्ड्रन सीट तक भी जा सकते हो, एंड चिल्ड्रन सीट इज दी बेस्ट सीट इन यर्काउड फॉर सनराइज और सनसेट व्यूज, सो यू शुड डेफिनेटली नॉट मिस दिस। एंड रोज गार्डन एंड चिल्ड्रन सीट के लिए एक ही टिकट होता है जिसका प्राइस 30 रुपीज है, और ये आपको रोज गार्डन के एंट्री गेट पे मिल जाएगा।
लेडीज सीट के बाद मैं गया जेंट्स सीट। ये लेडीज सीट से वॉकेबल डिस्टेंस पे है। ऑल्सो एयरकट में एयरकट लेक भी है, तो अगर आपको बोटिंग करना है तो आप एयरकट लेक आ सकते हो। तो तीनों सीट्स कवर करने के बाद मैं अभी आ गया हूँ अन्ना पार्क। ये एयरकट लेक के पास ही है, यहाँ पे आप मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में आ सकते हो। पार्क से तो मैं वापस अपने रिजॉर्ट आ गया था, और अगर मैं प्लेसेस की बात करूँ तो तीनों सीट में से चिल्ड्रन सीट का व्यू सबसे बेस्ट था, जो कि वीडियो में आपने ऑलरेडी देख ही लिया होगा। और अब टाइम हो गया है लंच का, तो चल के लंच करते हैं। सो लंच में वेज और नॉन वेज दोनों के ही ऑप्शन थे, तो मैंने ये वेज थाली ऑर्डर किया है। एंड वेज में इन्होंने ये सारा कुछ दिया है, ऑल्सो लंच मेरे पैकेज में इंक्लूडेड है। ऑलराइट, तो लंच करने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ पीकू पार्क। यारकट का बहुत ही फेमस पार्क है ये, और ये मेरे रिजॉर्ट के पास में ही है, तो मैं वॉक करके ही चले जाऊंगा। तो एक काम करते हैं, सीधा अपने लोकेशन पे पहुँच के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पीकू पार्क के टाइमिंग्स एंड एंट्री टिकट्स के प्राइसेस आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे। ऑल्सो पगोडा पॉइंट के आसपास के सारे टूरिस्ट स्पॉट्स की इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे।
ऑलराइट, तो पगोडा पॉइंट से तो मैं वापस अपने रिजॉर्ट आ गया था और अब टाइम हो गया है डिनर का, तो चल के डिनर करते हैं। सो डिनर में मैंने पराठे और आलू मटर की सब्जी ऑर्डर किया है और ये डिनर मेरे पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है, पैकेज में बस ब्रेकफास्ट और लंच इंक्लूडेड है, तो मैंने ये डिनर अलग से ऑर्डर किया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो आज मेरा एयरकॉर्ड में लास्ट डे है और थोड़ी देर में मैं अपने रिजॉर्ट से चेकआउट भी करूंगा, पर उससे पहले अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेते हैं। सो ब्रेकफास्ट मैंने अपने रूम में ही मंगवा लिया है और ब्रेकफास्ट में ये सारा कुछ है। हाँ, तो ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी मैं चेकआउट कर रहा हूँ अपने रिजॉर्ट से और यहाँ से पहले मैं जा रहा हूँ एयरकॉर्ड बस स्टैंड और फिर वहां से बस लेके सेलम जंक्शन। तो ओवरऑल इस रिजॉर्ट में मेरा स्टे काफी अच्छा था और मैं आप लोगों को भी ये रिजॉर्ट रिकमेंड करूंगा। अब एक काम करते हैं, सीधा सेलम जंक्शन पहुंच के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मैं सेलम जंक्शन आ गया हूँ, मेरा ट्रेन 3:30 का है और मैं रात को 8 बजे बैंगलोर पहुंच जाऊंगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस व्लॉग, आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ऑल्सो अगर आपने इस व्लॉग का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जाके वो जरूर देख लेना। एंड अगर आप भी अपनी एयरकॉर्ड ट्रिप का प्लान कर रहे हो और आपको एयरकॉर्ड का कंप्लीट ट्रैवल आइटनरी चाहिए तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इस पे बनाया हुआ है जो कि चैनल पे लाइव है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। इस वीडियो के बाद जाके वो जरूर देख लेना, इट विल बी डेफिनेटली अ हेल्प फॉर यू। एंड अगर एयरकॉर्ड के रिगार्डिंग आपको कुछ और भी क्वेश्चंस हो या कुछ और डाउट्स हो तो आप कमेंट कर देना एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर देम। एंड नेक्स्ट फ्राइडे को एक काफी कमाल का वीडियो आने वाला है, बेसिकली एक कंपैरिजन वीडियो होगा। अब किस चीज का कंपैरिजन है वो आप नेक्स्ट फ्राइडे को देख लेना। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।